एक्जैक्टली यही 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 बात है कि मैं इससे पहले कि ये फिगर शो करती और आपको दिखाती इस नीली स्याही की ताकत, आपने पहले ही देख लिया कि वोट कास्ट कर दिया है। हाँ, मैंने बिल्कुल मतदान कर दिया है, लेकिन यहाँ 169 बूथ में मैं मौजूद हूँ और यहाँ लंबी कतार यहाँ पर भी लगी हुई। जैसे कि देखिए, हम सुबह 5 बजे से लाइव कर रहे हैं, विजेंद्र आप तो थे ही, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे थे, लेकिन इस बीच ये बूथ भी बेहद अहम है और इसलिए हम इस बूथ पर आए जहाँ पर कतार है, युवा है, महिला पुरुष बुजुर्ग सभी यहाँ पर हैं। एक बार उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। कैसा महसूस हो रहा है, कतार बहुत लंबा इंतजार भी हो गया? बड़ा गर्व हो रहा है वोट देते हुए, और कतार कोई लंबी नहीं है, और 1 घंटा हो 2 घंटा हो, कोई कतार की कोई टाइम का कोई लिमिट नहीं है। वोट डलेगा, बड़े उत्साह से वोट डाल रहे हैं और 2 घंटे से लगे हुए हैं और आगे और अभी तो औरों को लेके आता है। तो यही यही तो जज्बा है जो चाहिए मतदाताओं में कि अगर इंतजार करना भी पड़े तो हम करेंगे, लेकिन अपना वोट जरूर डालेंगे। आप कैसा महसूस करें? बहुत अच्छा है, व्यवस्था अच्छी है, सब कुछ सही है, व्यवस्था अच्छी है। आप लोगों को इतना वक्त लगा या फिर सुबह भी आ चुके या फिर काम से फ्री होकर अब पहुंचे? काम से फ्री होकर अब पहुंचे। अच्छा, आपके लिए क्या अहमियत रखेगा इस बार, विकास मुद्दे, पार्टी या प्रत्याशी? विकास, विकास। देखिए विजेंद्र, विकास के लिए वोट और फिर विकास अपने विधानसभा क्षेत्र का हो, ये हर कोई कोशिश करता है। युवा भी यहाँ पर मौजूद है, क्या फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? बिल्कुल फर्स्ट टाइम है। तो अब तो आपके लिए उत्साह ज्यादा ही होगा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। हम अपने राष्ट्रवाद के लिए जो भी है रहेगा उसके लिए हम देंगे अपना वोट, और अपना वोट बहुमूल्य है। बिल्कुल, यही यही ताकत तो समझना है कि वोट बहुमूल्य है। विजेंद्र, देख सकते हैं आपके, हम ये अंदर से आए स्कूल के अंदर से, और ये पूरा बाहर का रास्ता है, कतार जिसके हम जिक्र भी कर रहे थे कि सुबह टाइम इतनी लंबी कतार अगर वहाँ लगी हुई है तो क्या वहाँ पोलिंग स्लो हो रही है? मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा, इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। और बड़ी खबर दरअसल क्या है, राजस्थान विधानसभा चुनाव में दोपहर 1 बजे तक 40.27% मतदान हो चुका है, और ये थोड़ी सी सुखद खबर है। सुखद खबर इसलिए क्योंकि इस वक्त वक्त हुआ है 1:38, और इसका मतलब ये कि 41.42% तक ये मतदान हो चुका है। अभी भी 4 घंटे बाकी हैं, और जो अंतिम के 4 घंटे होते हैं उसमें मतदान ज्यादा होता है। अदिति, एक उम्मीद कर सकते हैं कि 70% तक चला जाए, 72% तक चला जाए? उम्मीद तो यही करनी चाहिए कि पिछली बार के आंकड़ों को क्रॉस करना चाहिए। जब मतदान ज्यादा होता है, जो उत्साह आज कह रहे हैं कि 2 घंटे रुकना पड़े, नए मतदाता जुड़े हैं जो कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद पे करेंगे, कोई कह रहा है विकास पे करेंगे, तो अलग अलग मुद्दों पे, तो उम्मीद यही करते हैं कि इस बार का भी आंकड़ा जो है वो पिछले बार से जी बिल्कुल। तो देखिए, राजस्थान विधानसभा में अब तक जो वोटिंग चल रही है उसमें 40% से ज्यादा 1 बजे तक वोट हो चुका है, आधा घंटा निकल चुका है। अदिति, बता देते हैं कि कहां कितना वोटिंग परसेंटेज अभी तक रहा है। प्रदेश में मतदाताओं का जोश हाई, हालांकि ये जोश और ज्यादा हाई होना चाहिए, मतदान अभी तक 50% को क्रॉस कर जाना चाहिए। प्रदेश में 1 बजे तक 40.27% मतदान हुआ है, हम मानकर चल रहे हैं इस वक्त 41-42% के आसपास है। अजमेर में 37.86%, अलवर में 42.23% मतदान अभी तक हो चुका है, बांसवाड़ा में 42.44%, बारा में 45.75% मतदान 1 बजे तक हो चुका है, बाड़मेर में 39.05%, भरतपुर में 40.89% मतदान अभी तक हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए बाकी जगहों की, तो आप एक लंबी कतारें वहां देख सकते हैं। श्वेता हमारे साथ बनी हुई है। श्वेता, ये लंबी कतार थी जो हमने अंदर से आपने शुरू की और ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब चूंकि आपने वोट डाला है, तो क्या वोटिंग मशीन वहां स्लो है, एक ही लगी हुई है, इतनी लंबी कतार क्यों लगी है? देखिए, अलग अलग रूम है यहाँ पर विजेंद्र, जैसे रूम नंबर 1 पर यहाँ पर था 169 में बूथ में, और बिल्कुल प्रोसेस जैसे प्रक्रिया वैसे चल रही है, कोई दिक्कत नहीं हुई, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई। लेकिन देखिए, यहाँ के नागरिक जो है वो जागरूक है और इसलिए ज्यादा तादाद में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं कि वो वोट डाल सके, और यही वजह है कि यहाँ पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं, वोटिंग की प्रक्रिया भी जारी है, लेकिन उससे डबल रफ्तार से लोगों की मौजूदगी यहाँ पर है, और यही वजह है कि यहाँ लोगों की संख्या ज्यादा है, कतार लंबी यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि जब लोगों से बातचीत भी हमने की तो उनका कहना भी यही था, जितना लग जाए वोट डालने हम आए हैं, अपने हक का उपयोग करने के लिए आए हैं, और हम इससे लेकर उत्साहित भी हैं। जरा हम बात भी कर लेते हैं, कैसा लग रहा है आप यहाँ पर वोट डालने आए? अच्छा लग रहा है। अच्छा, इंतजार बहुत देर से खड़े हैं आप? नहीं, अभी अभी आए। आप बताइए, अभी अभी आए। क्या अहमियत आपके लिए रखी गई इस चुनाव में?
एक एक वोट की अहमियत है इसके अंदर। आपके लिए मुद्दे ज्यादा अहमियत है या प्रत्याशी? प्रत्याशी। प्रत्याशी आपके लिए ज्यादा अहमियत रखते हैं। बिल्कुल। क्या पूछना? आपके लिए क्या अहमियत इस चुनाव में सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा मोदी जी हमारे लिए तो बेस्ट। अच्छा ठीक है, यानी कि आप अपनी पसंद पहले ही चुन चुके हैं। अच्छा अच्छा लगता है, कमल को देंगे। अच्छा विकास अब तक 5 साल में जैसा हुआ है कैसा फील करते हैं? सरकार कैसी चाह रही है? सरकार तो सरकार यहाँ पर चाहते हैं कि अच्छे से बने, विकास राज्य का हो और इसी के साथ ही लोग यहाँ पर बढ़